तो आज का दिन भी नॉर्मल डेज की तरह ही है। हमेशा की तरह मैं 4 बजे अपना उठा अच्छे से, और आई नो एक्टिंग अच्छी कर रहा हूँ मैं। वैसे मैं उठा 4 बजे था, लेकिन ये सीन मैंने लिया था 9 बजे। तो यहाँ पे रखी है चॉकलेट, बोरी सामने की तरफ। तो ये मेरी बहन ने चॉकलेट रखी है और इसको हम लोग खाते हैं और फिर ऐसे एक्टिंग करते हैं कि हमको पता ही नहीं कि यहाँ पे चॉकलेट भी थी। ओह पता नहीं है। और इस चॉकलेट को हम एकदम हल्के हल्के से खाते हैं कि पता ना चले, और इस तरीके से बाद में रख देते हैं कि मतलब हमने छू ही नहीं थी और हमको पता ही नहीं है। मज़ा बहुत आता है यार ये सब करने में। तो चॉकलेट वगैरह हम लोगों ने खा ली और अब रोज़ की तरह हम लोगों ने नहा लिया। सॉरी, रोज की तरह नहीं नहाया। तो नहाने के बाद हमारा क्या काम था? आयरन करना। तो लाइट तो आनी रही थी, तो आप लोगों ने भी मोस्ट प्रोबेबली ये कर रखा होगा। तो अभी मैं थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ। बाकी मेरे बाल तो बिल्कुल बेकार हो रखे हैं। हमेशा की तरह कुछ जरूरी चीज, अब निकल रहा हूँ। तो भाई यहाँ तो हो गया बहुत ज्यादा मूड खराब। मतलब मैं पहुंच गया और भाई को फोन कर रहा हूँ और फोन ही नहीं। मतलब पहुंचने के बाद जब कोई फोन नहीं उठाता ना, तो फिर तो मतलब दिमाग खराब होता है। तो बस वेटिंग 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 वेटिंग। क्या बात है भाई, जिम का असर दिख रहा है। तो फाइनली आई मीट माय ब्रदर। भाई बर्थडे सून, सेकंड टाइम मुझे पता है। इसको बोलना पड़ता है कि मुझे ये बोलने दिया कर, फोन ही काट देता है। सॉरी मतलब क्लिप काट देता, क्लिप काट देता, ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ से हम लोग अब जा रहे हैं बैंक। तो गाइस हम लोग पहुँच तो गए हैं, लेकिन जो मतलब एग्जैक्ट लोकेशन है वो हमको मिली नहीं। यहाँ पे ढूंढना पड़ रहा था, उन्होंने अपनी बाइक पतली है ना बहुत यहाँ पे, तो इसलिए से समझ नहीं आ रहा था। हाँ गलियाँ पतली पतली हैं, तो यहाँ पे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ पे है वो। तो देख रहे हैं थोड़ा सा, इधर जाना है या इधर, इधर से तो ये वाला है भाई हमारा। थर्ड फ्लोर है भाई, थर्ड फ्लोर। बैठने में क्या नीचे ही ना, फर्स्ट फ्लोर पे। सबसे ऊपर जाना, सबसे ऊपर जाना है। उनसे कोने में बैंक बना रखा है ये। कोने ये है क्या बैंक भाई? ये है। ओ भाई ये रहा। जो हमारा यहाँ का काम था वो बनी, तो अभी हम लोग जा रहे हैं खाना पीना खाने, और उसके बाद हमें यहाँ शॉपिंग भी जाना है। क्या बात है, चलो भाई चलो। खोल भाई। सॉरी वो लिफ्ट बंद हो गई थी। आई एम सॉरी भाई। वेट तो आज के दिन में ही लिखा हुआ था। फिर से हम लोग पहुंचे जामे हमदर्द भाई का इंटर्नशिप सर्टिफिकेट लेने के लिए। वहां पे भी हमें एक साइन के लिए बहुत देर वेट कराया। बस एक साइन कराने हैं, उसके लिए 2 घंटे से खड़े हैं। तो
फाइनली जो हमारा इंटर्नशिप सर्टिफिकेट है मतलब भाई का वो मिल गया भाई, खुशी है तो नाच के दिखा दो आज। तो फाइनली हमारा जितना भी काम था सारा का सारा निपट गया। फिर हम लोग जाने वाले थे शॉपिंग पे, मैंने भाई से बोला कि आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। तो फोकस थोड़ा सा फोकस हाँ इधर हूँ। हाँ तो हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग पे। गर्मी लग रही है, एसी ऑन कर ले। बदबू रहा है, स्मेल नहीं आ रही इस गंदी से। हाँ ये परफ्यूम की आ रही है, जो मतलब वो सुगंध है इसकी आ रही है, इसकी नहीं किसी और चीज़ की आ रही थी। एक सेकेंड, इसको कहाँ पे सेट करते हैं? यहाँ पे ऐसे करके, अब सही है भाई। व्यूज नहीं आते मेरे भाई, मेरे व्यूज नहीं आते भाई, 25,000 आते हैं ठीक है। मेरे से पूछो यार भाई, जहाँ जिस बंदे के आते 70,000-80,000 व्यूज वो एकदम से बिल सकते। अरे इंशाल्लाह यार आएंगे, पहले 40 हुए, 30 हुए, 25 हुए, अब 20 भी नहीं हो रहे। अब मुझे लग रहा है 4,000-5,000 रुपए अटकूंगा। ऐसा कुछ नहीं, इंशाल्लाह बढ़ेंगे। आमीन। वीडियो कमेंट में आमीन लिख देना। तो भाई हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने, तो भाई क्या दिलाओगे? गाइस सी, बस के लिए मैं परेशान था, फाइनली ये मुझे मिल गया। ये है मेरा, दिस इज टू सर्टिफाई दैट मिस्टर फहीम सिद्दीकी सन ऑफ मिस्टर ईदुल हसन एनरोलमेंट नंबर भाई ने मिस कर दिया। छोड़ना यार, अब मैं क्या बताऊँ, थोड़ा बड़ा वर्ड है। छोड़ो यार। तो भाई फिर क्या मतलब कहाँ जा रहे हैं हम लोग शॉपिंग? मदनगीर। तो हम लोग जा रहे हैं मदनगीर टक्सीडो का कपड़ा लेने। अच्छा लेंगे भाई, कौन सा कलर बता रहे थे तुम मेरे को? पिंक। नहीं यार सच में, मतलब जो लाइट पिंक होता है ना वो मतलब काफी ज्यादा क्लासी और मतलब अच्छा लगता है, मेरे को अच्छा लगा, मेरे को ट्राई करना है वो कलर। तो भाई ने लिया है स्काई ब्लू कलर का कुछ, समथिंग स्काई ब्लू है या वो क्या है? हाँ लाइट स्काई ब्लू है, लाइट स्काई ब्लू है, मेरा लाइट पिंक है। तो मतलब हम दोनों भाई मतलब कलर डिफरेंस ले रहे हैं। पहले सोचा था कि मतलब बिल्कुल सेम लेंगे, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर लेंगे और फिर बाद में चेंज करके पहन लेंगे। ठीक है, फिटिंग तो वैसे भी सेम आती है। ओके भाई, एसी में जो सुकून है ना, अबे क्या दिखा रहे हो यार तुम भाई, बंदा 2 दिन हुए नहीं जिम गए हुए, ऐसे 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 करता रहता है। हम लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया था पूरे दिन भर में, बहुत देर तक ढूंढने के बाद, क्योंकि 5 बज गए थे तो सारे के सारे मतलब जो भी होटल वगैरह थे बंद हो गए थे। तो बहुत देर बाद ढूंढने के बाद हमको ये मिला, और ये कसम से दिल पे हाथ रख के बोल सकता हूँ मैं, बहुत ज्यादा टेस्टी था। अब जा रहे हैं हम लोग घर। शॉपिंग थी वो कुछ खास नहीं थी, बस हम लोगों ने एक शू खरीदा, जूता और कपड़ा, और जो कि कोट पैंट का कपड़ा शायद टक्सीडो का कपड़ा ऐसा कुछ। चलो भाई घर चलो। ये क्या लाया? कपड़ा अपने लिए लाया हूँ, न्यू कपड़े। बढ़िया है भाई, बढ़िया है। इसके साथ मास्क भी आया है क्या? ये मास्क है क्या? Yes. क्या, अरे यार ये सही है, मतलब जैसा सूट वैसा मास्क। मैं थक गया हूँ थोड़ी देर, 5 मिनट ऐसे ही लेटूंगा, उसके बाद जो होगा वो करूंगा, उसके बाद दिखाऊंगा मैं तेरे को, ठीक है? तो भाई कुछ भी ले आओ, घर वालों को पसंद आ जाए ऐसा तो मतलब 1% है सिर्फ, 1%। कितना गंदा लाया है मम्मी, देखो कितना लाइट अच्छी है, बहुत अच्छी, ये बहुत प्यारा लगेगा बनने के बाद। डार्क कलर लेता है ना, इसी में का एक डार्क आता है ऐसा कलर, आर्मी ग्रीन होता है, हर कोई लेता है डार्क कलर, डार्क कलर हर कोई लेता है।
अबे डार्क कलर हर कोई लेता है। ये जूते हैं हल्के से यार, स्लो में। ये देखो मम्मी देख लो जूते, देखो और ये कलर देख लियो, इतना गंदा लगा। अच्छा तो है इतना, ये अच्छा नहीं लगेगा बनने के बाद, ये बूढ़ों जैसा। अरे भाई ये अच्छा लगेगा बहुत, थोड़ा डार्क, थोड़ा मेरे को लाइट कलर चेक करना था। मैं तो पिंक लेने वाला था, लाइट तो पिंक। ये तो चमक वाला है। हाँ हाँ अच्छा है कपड़ा। चलो पहन, तुम्हें पसंद है तो। हाँ मुझे पसंद है, सही बात है, ये अच्छी लाइन बोली। और ये देखो जूते भाई, बिस्तर पे मत रखना जूता अरमान। तो बेसिकली यहाँ पे व्लॉग खत्म हो गया है। तो मेरे खालू ने मेरे साथ एक मोमेंट अपना शेयर किया था, तो मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो। हाँ तो उसमें ये था कि मतलब जितने भी लोग माइग्रेट कर रहे थे लॉकडाउन के टाइम पे, जैसे कि जो पंजाब में काम करते थे वो बिहार या फिर यूपी में हम जा रहे थे, तो उन्होंने मेरे साथ दो तीन चीज़ें शेयर करी थी, जिसमें से एक चीज़ ये थी कि एक बीबी और एक पति जो कि जा रहे थे साइकिल पे, पंजाब से आ रहे थे लुधियाना से, और हमारा गाँव है गौरीगंज की साइड पे पड़ता था, तो वो लोग वहाँ से पुल पे से जा रहे थे। तो उसकी बीवी ने बोला, ये मेरे खालू जो थे वो खड़े होकर देख रहे थे, मतलब थोड़ी दूर से देख रहे थे कि कोई जा रहा है। तो मतलब उसकी बीवी ने उसको बोला कि मेरे को थकान वगैरह लगी है ऐसा कुछ, तो उसकी उसने साइकिल से उसको उतार दिया। तो वो पुल पे ऐसे टेक लगा के बैठी, ऐसे टेक लगा के बैठी पुल पे, और वो थोड़ी ऐसे हुई ऐसे हुई ऐसे, और वहीं पे वो मतलब वहीं पे उसका इंतकाल हो गया। और फिर मतलब लोगों ने उनसे बात करी, तो उस आदमी ने बताया कि हम लोगों के पास जो पैसे थे वो हमारे रायबरेली तक ही चले थे, जो कि ख़त्म हो गए थे वहीं तक पैसे। फिर उसके बाद हम लोगों ने, मेरी बीवी के पैरों में वो थी पायल थी और मंगलसूत्र, तो हम लोगों ने उसको बेचा। फिर वहां से हम लोग थोड़ा कुछ खाते 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 यहां तक पहुंचे, और फिर उसके बाद हम लोगों को खाना वगैरह नहीं मिला, जिसकी वजह से शायद भूख की वजह से, और वो लोग कंटिन्यूसली सफ़र कर रहे थे। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत सारे लोगों के साथ हुई हैं। और एक मोमेंट और था जिसमें कि एक लड़का था जो कि बेसिकली ऐसे जा रहा था रोड पे, तो जो चावल होता ना, चावल किसी ने रोड के किनारे पे रख रखा था, उसके साथ दो रोटी रख गई थी। तो वो आदमी बेसिकली ऐसे ऐसे जा रहा था और ऐसे साइड में देख रहा था, कोई भी नहीं उसको देख रहा था, तो एकदम से उसने जाके ऐसे करके वो चावल उठाया और ऐसे करके जल्दी से छुपा लिया अपने कपड़े में कि कोई देख तो नहीं रहा। तो मतलब उस आदमी का जो मतलब जिस तरीके से उन्होंने मेरे को बताया था, इतना ज़्यादा वो भूखा था, रोड पे पड़ा हुआ खाना भी उसने उठा के एकदम ऐसे जल्दी से, मतलब उस चीज़ को देखने के बाद मेरे खालू बता रहे थे कि वो मतलब एकदम से रोने लग गए और अपने कमरे में जाके एक कोने में आराम से बैठ गए। किसी से उन्होंने कुछ नहीं बोला, बस वो एक कमरे में जाके। तो ये मोमेंट मैं आपके साथ बस शेयर करना चाहता था, मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब हार्ट टचिंग या मतलब जो भी बोल सकते हैं ऐसा कुछ था, वर्ड्स नहीं है मतलब फीलिंग्स या फिर डिस्क्राइब करने के लिए इन बातों को, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई हैं लोगों।